ईडी ने पूर्व मंत्री अनिल परब के करीबी को किया याद। सदानंद कदम को पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा नोटिस। रतनगिरी के दापोली में धोखाधड़ी का रिजॉर्ट बनाने का मामला। बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में सदानंद कदम को ईडी का बुलावा। सदानंद कदम अगले हफ्ते ईडी के सामने होंगे पेश। बता दें कि दापोली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर रही जांच ईडी और धोखाधड़ी के मामले में उन्हें बुलाया है और अगले हफ्ते पेश होना होगा उन्हें। ईडी ने पूर्व मंत्री अनिल परब के करीबी को किया याद। सदानंद कदम को पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा नोटिस। रत्नागिरी के दापोली में धोखाधड़ी कर रिजॉर्ट बनाने का मामला। बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में सदानंद कदम को ईडी का बुलावा। सदानंद कदम अगले हफ्ते ईडी के सामने होंगे पेश। दापोली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा लगातार जांच की जा रही है और कार्रवाई लगातार जारी है और उसी में जो है एक मामला निकलकर सामने आया है जिसमें सदानंद कदम को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा है और रत्नागिरी के दापोली में धोखाधड़ी कर रिजॉर्ट बनाने का मामला उन पर दर्ज है। तो उसी की पूछताछ के लिए अगले हफ्ते ईडी ने उन्हें बुलाया है और सदानंद कदम अगले हफ्ते ईडी के सामने पेश होंगे। तो बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां ईडी ने पूर्व मंत्री अनिल परब के करीबी को याद किया है। जी हां, सदानंद कदम को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा है। रत्नागिरी के दापोली में धोखाधड़ी कर रिजॉर्ट बनाने का मामला है उन पर और धोखाधड़ी के मामले में सदानंद कदम को ईडी का बुलावा आया है। वहीं सदानंद कदम को अगले हफ्ते ईडी के सामने। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से संतोष मोरे जुड़ चुके हैं। संतोष, ईडी ने पूर्व मंत्री अनिल परब के करीबी सदानंद कदम को पूछताछ के लिए बुलाया है, बड़े आरोप उन पर लगे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हाँ, जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है कि रत्नागिरी में भूतपूर्व जो मंत्री है अनिल परब, उनके ये करीबी है और इन्होंने साई रेस्टोरेंट करके जो एक रेस्टोरेंट जो उनका है उसने बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई है, वो तो उसी तौर उसी वजह से सदानंद परब ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन उनको हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार से राहत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अगर उनको कोई नोटिस आती है तो उसके ऊपर फिर से उनको हाईकोर्ट में दाद मांगने की उनको रास्ते फिर से खुले रखे थे। लेकिन भाजपा की ओर से जिस प्रकार से अनिल परब ये जो ठाकरे गढ़ के संबंधी एक नजदीकी है, उद्धव ठाकरे पूर्व भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं और उनके करीबी अनिल परब के करीबी व्यक्ति को इस प्रकार से केंद्र शासन की जो संस्था है ईडी की ओर से नोटिस आती है कि इस गए 2 साल में महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राजनीति भाजपा के विरोध में जो कोई लोग थे उनको बड़े पैमाने पर नोटिस दी गई थी, लेकिन गए 3 महीने पहले जो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया उसमें की एकनाथ शिंदे की ने ठाकरे शिवसेना में से बाहर निकल के खुद की बीजेपी के साथ सत्ता स्थापन की थी और जिन लोगों के उस समय पे आरोप लगे थे उन सभी लोगों को अब शिंदे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने साथ में ले लिया और उनके कहते भी जो ईमानदारों के एमएलए के ऊपर जो आरोप लगे थे वो अभी कहते भी बंद बस्ते में गिरे हैं। इसकी वजह से जो ठाकरे गट के जो महाविकास आघाड़ी के जो नेता है वो भी बार-बार बोलते थे कि जिस प्रकार से भाजपा केंद्रीय तपास यंत्रणा का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है कहीं तो भी निंदनीय है। और अभी उद्धव ठाकरे के जो करीबी है भूतपूर्व मंत्री अनिल परब, उनके भी करीबी रह चुके हैं जो सदानंद करब जो होते रेस्टोरेंट के जो मालक है, उनको अब ईडी ने नोटिस दी है और अगले हफ्ते में उनको समन दे के बुलाया है। जी संतोष, तो जैसा आपने बताया कि अनिल परब एक बहुत बड़ा नाम है वहां का और उनके करीबी पर जो है ये कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं अब हम ये कह सकते हैं कि राजनीति का भी हस्तक्षेप इस मामले में हो रहा है। जी हाँ, पहले से जिस प्रकार से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार स्थापन हुई थी उसी समय से जो महाविकास आघाड़ी के जो बड़े जो 3 पार्टी के जो नेता है उनके ऊपर और उनको जो आमदारों ने एमएलए ने जो सपोर्ट किया था उनके ऊपर बारंबार ईडी ने समन भेजा था। उसमें सांसद भावना गोली का भी नाम है
और जब वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके साथ में ठाकरेगढ़ छोड़ के उनके साथ में गए तो उनके जो फाइल थी वो कहते बंद हो गए, उसके ऊपर विरोधकों ने बड़े पैमाने हंगामा आवाज भी उठाई थी। इसी वजह से अभी अनिल परब का जो मामला है वो भाजप के पूर्व सांसद किरीट सोमैया जो दिन ब दिन सामने लाते हैं, लेकिन किरीट सोमैया ने जिन प्रकार से इन बाकी आमदारों के ऊपर और जो सांसद के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो जो भाजप को उन्होंने समर्थन दिया तो उनके ऊपर जो आरोप बंद हो गए लगाना और ईडी की वजह से उनके ऊपर समन और इंक्वायरी भी बंद हो गई। तो कई तो महाविकास आघाड़ी के जो नेता है उनका ये कहना है कि ये जो कुछ है वो खाली जो विपक्ष के जो लोग है जो नेता है जो आमदार है उनको परेशान करने के लिए केंद्र के दबाव से भाजपा भी पूरा षड्यंत्र रचा रही है। जी चलिए, अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या कुछ मामला है जब उनसे पूछताछ होगी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको मुंबई से बताई जहां ईडी ने पूर्व मंत्री अनिल परब के करीबी को याद किया है। जी हां, सदानंद कदम को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा है। रत्नागिरी के दापोली में धोखाधड़ी कर रिजॉर्ट बनाने का मामला उन पर दर्ज है और उसी की पूछताछ के लिए ईडी द्वारा उन्हें नोटिस भेजा गया है।